नमस्कार, मौसम की ताज़ा व सटीक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले जानते हैं आईएमडी ने जो चित्र जारी किया है उसमें बादलों का जमावड़ा कैसा है। तो जो उत्तर साइड है भारत की, उसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ख़ासकर उत्तराखंड में यहाँ पर रेड अलर्ट है। और इसके अलावा जो राजस्थान के लिए भी एक खुशखबरी है, जो इसका उत्तरी भाग है वहाँ पर, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और पूरा दिल्ली, इन इलाकों में बादलों का अच्छा खासा जमावड़ा है और एक काफ़ी बड़े इलाके पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा अभी तक जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी और इसके अलावा जो बिहार भी खुश्क चल रहा था, वहाँ पर भी एक बड़े भाग पर मध्यम से भारी बारिश के आसार बन गए हैं। बादलों की स्थिति हम एक अलग मैप से भी देख सकते हैं, जैसा कि इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत में और ख़ासकर जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर बादलों का अच्छा खासा जमावड़ा दिखाई दे रहा है। लाइटिंग के जरिए भी हम देख सकते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश पर, खासकर उत्तर प्रदेश पर काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो रही है। इसके अलावा भारत में छुटपुट लाइटिंग देखी जा सकती है, लेकिन अच्छी लाइटिंग यदि हम इसे कहेंगे जो बारिश के लिए संभावनाएं बनाती हैं, वो हमें उत्तर प्रदेश पर नज़र आ रही हैं। आइए अब जानते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में मौसम का कैसा हाल रहेगा। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में छुटपुट बारिश होगी, यहाँ पर भारी बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, सोलन, इसके अलावा भी आसपास के इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तराखंड में जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई राज्य है बारिश का तो वो उत्तराखंड है। आने वाली 21 और 22 तारीख को यहाँ पर झमाझम बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। यहाँ पर चट्टाने खिसकने का भी अंदेशा है, इसीलिए पहाड़ी इलाकों पर आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा पंजाब के एक बड़े भाग पर मध्यम से भारी बारिश होगी, यही हाल हरियाणा का भी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसका जो पश्चिमी इलाका है, 21 तारीख तक वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होगी और धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ये बारिश चलेगी और ये बिहार की ओर होती चली जाएगी। इसमें सहारनपुर, शामली, बिजनौर, बागपत, मथुरा, आगरा, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, औरैया, झांसी, महोबा, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, औरंगाबाद, बहराइच, सीतापुर, इन सभी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, झमाझम बारिश कह सकते हैं, वो होगी। इसके अलावा अभी तक जो बिहार में बारिश नहीं चल रही थी, इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, सारण, कैमूर, रोहतास, गया, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इन सभी इलाकों में और कह सकते हैं कि एक पूरे बड़े इलाके में मध्यम से भारी बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी। मध्य प्रदेश में भी जो इसका उत्तरी भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी, जबकि जो इसका पूर्वी साइड है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर कुछ हल्की होगी। इसमें मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन सभी इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जब इसमें बारिश आएगी वो उत्तरी साइड से आएगी और वह पूरे राजस्थान को कवर करती हुई चलेगी। इसमें हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, जालौर, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, सीकर, नागौर, भरतपुर, इन पूरे इलाके में मध्यम से भारी बारिश होगी। आइए जानते हैं भारत के अन्य राज्यों का हाल। तो गुजरात के भी एक बड़े भाग पर मध्यम से भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र पे बारिश की फिलहाल हल्की फुल्की ही बारिश की संभावनाएं हैं। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश देखनी पड़ सकती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के एक बड़े भाग पर बारिश देखी जा सकती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।